एक दफा का जिक्र है कि किसी जंगल में एक चिड़िया का घोंसला था और उसी जंगल में एक तितली भी रहती थी। तितली को अपने रंग बरंग परों पर बहुत गुरूर था। एक दिन चिड़िया आम की डाली पर झूला झूल रही थी और साथ में गाना भी गा रही थी। चिड़िया गा रही थी, चू 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 चू, मैं हूँ जंगल की रहने वाली, मेरा घर है आम की डाली, चू 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 चू। इस तरह से चिड़िया गाना गा रही थी। तितली बैठी चिड़िया का गाना सुन रही थी। तितली बोली, अरे चिड़िया, बस आवाज ही आवाज है तुम्हारी, मुझे देखो कितनी अच्छी शक्ल है मेरी, कहाँ मेरे नीले और सुनहरे पर और कहाँ तुम्हारी भूरी रंगत। चिड़िया बोली, मुझे अल्लाह ताला ने जैसा बनाया है मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ। दरख्त के नीचे एक बिल्ली भी थी। चिड़िया और तितली की बातें सुनकर बिल्ली के कान खड़े हो गए। चिड़िया ने बिल्ली से कहा, मेरी आवाज़ ज़्यादा खूबसूरत है या तितली की शक्ल। बिल्ली ने कहा, मुझ बूढ़ी को ना तितली की शक्ल दिखाई देती है और ना ही चिड़िया की आवाज़ सुनाई देती है। बात ही कर रही थी कि एक ख़तरनाक शेर उनके सामने आ गया। शेर जोर जोर से धार रहा था। शेर को देखकर तितली, चिड़िया और बिल्ली सब अपने घर डर के भाग गए।